नमस्कार दर्शकों, लाइफ टाइम सीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि शिमला में हल्की बर्फबारी हुई है और हल्की बर्फबारी के बाद आप शिमला की ये जो दिलकश नज़ारे हैं उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं शिमला के ये हसीन नज़ारे बर्फबारी के बाद। ये ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना ही हसीन और दिलकश लग रहा है। तो काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ आप जुड़ जाएं और शिमला के हम आपको जो दिलकश नज़ारे हैं उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं देवदार के ये वृक्ष बर्फबारी से लदे हैं और ये दिलकश नज़ारा देखते ही बन रहा है। हम आपको बता दें शिमला में इस समय भी हल्की बर्फबारी हो रही है और मौसम खराब बना हुआ है। काफी दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं। और शिमला की सड़कों की बात की जाए, पहले भी मैंने आपको बताया था, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव स्ट्रीम में। कहाँ पर है ये तो आपको बता दूँ, ये जाखू क्षेत्र से आपको दिलकश नज़ारे हम आप दिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, जितने भी मौसम कब तक ख़राब है तो मैं आपको बता दूं, मौसम विज्ञान केंद्र ने जो जानकारी साझा की है 26 तक मौसम ख़राब रहेगा। 23 तारीख से एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर रहा है और बात की जाए तो उस समय ज़्यादा बर्फबारी की संभावना है। कहाँ पर है ये तो आपको एक बार फिर बता दूँ, जाखू क्षेत्र से हम आपको ये दिलकश नज़ारा दिखा रहे हैं।
आज मौसम कैसा है तो मैं आपको बता दूं, आप सीधा लाइव तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस समय आसमान पर काले घने बादल छाए हुए और बीच बीच में हल्की बर्फबारी का दौर भी चल रहा है। और मौसम 26 तारीख तक इसी तरह बना रहेगा। क्या कोटखाई के रत्नाड़ी में भी स्नोफॉल हुआ है? हम आपको बता दें कि जो अपर क्षेत्र की बात की जाए तो अपर क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। ओम प्रकाश चौहान 2 इंच। तो इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शिमला की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि शिमला में हल्की बर्फबारी हुई है और हल्की बर्फबारी के बाद जो ये दिलकश नज़ारे हैं उसे हम आपको अवगत करवा रहे हैं। ये जाखू क्षेत्र है, जाखू क्षेत्र से ये दिलकश नज़ारा दिखता है। दर्शकों अभी तक के इस लाइव स्ट्रीम में इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, हमें धन्यवाद। और ये दिलकश नज़ारे हमने आपको दिखाए,